रोज 12-12 बार लड़कियों को, मतलब जिससे नहीं क्लियर हुआ ना उनको बहुत बार चांस भी दी। अच्छा। मेरा तो क्लियर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज का जो वीडियो है बहुत ही आपके महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही शानदार, दमदार और जानदारने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत महिला अग्निवीर सेना पुलिस की जो भर्ती है उसके संदर्भ में ये बालिका ने भी फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर किया है। 15 जनवरी के रोज में इसकी एग्जाम है, इस बालिका की एग्जाम है। जबलपुर ईआरओ के से संबंधित इस बालिका ने एग्जाम मतलब की फिजिकल दिया था। तो हम जानेंगे पूरा प्रोसेस, जानेंगे कि महिला अग्निवीर सेना पुलिस की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से फॉर्म सबमिट होता है, किस प्रकार से वहाँ पर फिजिकल होता है और किस प्रकार से मेडिकल होता है। पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से सभी बालिकाओं को ये मालूम पड़ेगी कि किस प्रकार से वो प्रोसेस पूरी ए से जेड तक चलती है। तो हमारे बीच उपस्थित है हमारी बालिका, होनार बालिका, जिन्होंने अभी फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर किया है, मेघा पाटीदार, जो कि नजरपुर उज्जैन जिले की निवासी है। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इनका फिजिकल क्लियर हुआ, किस प्रकार से इन्होंने एकेडमी ज्वाइन की थी और किस प्रकार से इनका मेडिकल वगैरह वहाँ पर पूरी प्रोसेस हुई थी। इस वीडियो के माध्यम से पूरा इसको स्किप मत करना, एक एक चीज यहाँ पर बालिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और पूरा वीडियो ये पूरा का पूरा वीडियो ये बालिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मेगा, बहुत बहुत पहले तो आपको धन्यवाद बेटा इस चीज के लिए, क्योंकि ये चीज ये वही समझ सकते हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं या जो आर्मी के लिए जीते हैं, ये वही लोग समझ सकते हैं। और अभी जो CDS थे विपिन सिंह रावत साहब, उन्होंने इस चीज को चालू किया था महिला सेना पुलिस को, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को भी आर्मी की वर्दी पहनकर भारतीय थल सेना में सेवा देने का मौका उन्होंने दिया। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर बालिका हमारी उपस्थित हुई है और बहुत ही गर्व का क्षण है इसके माता पिता के लिए और इसके गुरु के लिए, मेरे लिए, कि हमारी बालिका भारतीय सेना थल सेना के अंदर जाकर बॉर्डर पर जाकर सेना तैनाती देगी और देश की रक्षा करेगी, देश की सुरक्षा करेगी। तो बेटा पूरी प्रोसेस हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप आए थे एकेडमी पर, कितना टाइम आपको एकेडमी पे हुआ, फिजिकल आपने कैसे किया, फिजिकल आपने क्वालिफाई वहाँ पर कैसे किया बेटा, कितना टाइम लगा वहाँ पर और किस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने ट्रीट किया बेटा, और मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस थी बेटा, और मेडिकल के बाद में उन्होंने किस प्रकार से आपको ट्रीट किया एग्जाम के लिए, ठीक है बेटा। तो पूरी जानकारी आपको देना है, ठीक है। पहले आप ही बताओ बेटा कि आप कहाँ की निवासी हैं। मैं नजरपुर उज्जैन की निवासी हूँ। अच्छा, और आपको बेटा कैसे मालूम पड़ा था एकेडमी के बारे में? मेरे को भैया ने बताया था, हमारे भैया ने, कि बेस्ट है उज्जैन की, बेस्ट एकेडमी है उज्जैन फिजिकल एकेडमी, वहाँ पे आप जाके तैयारी करो, आपके सारे सपने साकार होंगे। आपके भैया का नाम क्या बेटा? नीलेश पाटीदार। अच्छा, तो उन्होंने पहले भर्ती निकाल चुके हैं, मतलब है ना? हाँ, 2 से 3 भर्ती वो भी निकाल चुके हैं और उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि वहाँ चले जाओ। तो बेटा अभी जो एकेडमी पर आपको कितना टाइम हुआ बेटा फिजिकल जब आपका निकला उसके लिए? मेरे को 2.5 से 3 महीने हुए थे एकेडमी पर और सर ने नियमित रूप से दोनों टाइम सुबह शाम तैयारी करवाई और बिल्कुल हार्ड वर्क, एक्सरसाइज वगैरह सब करवाया और इसी तरह से मैंने फिर भर्ती पास की। तो इनका दोनों टाइम को फिजिकल चलता था, फिजिकल के साथ साथ में इनको ट्रीट भी हम मतलब मेंटली भी हम इनको तैयार करते थे और इसी के साथ में इन्होंने इस पे फिजिकल को क्लियर किया है और बीच में इनको रोना भी आता था, ठीक है बेटा? रोना नहीं, ठीक है बेटा? क्या होता है कि जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसमें परेशानी आती है, उन्हीं परेशानियों को जब आगे हम से आगे बढ़ती जाते हैं तो हमें सफलता मिली जाती है। तो मैं ये बताओ बेटा कि जब फिजिकल क्लियर हुआ तो उसके बाद में तुमने फॉर्म सबमिट किया है ना, आर्मी के फॉर्म जब सबमिट किया आपने तो फिजिकल की डेट क्या मिली, फिजिकल की डेट मिली आपको? हाँ। जब आप फिजिकल देने गए थे तो वहाँ पर फिजिकल की प्रोसेस क्या थी बेटा? सर, फिजिकल में तो पहले हाइट में ही बाहर कर दिया लड़कियों को बहुत सारी, जिसके पास NCC सर्टिफिकेट या कुछ स्पोर्ट्स का नेशनल था उन्हीं को मौका मिला, पर उनको भी किसी को बाद में बाहर कर दिया। ये बात आप बालिकाओं के लिए बहुत ही जरूरी है कि उन बालिकाओं को मौका मिला, जिन बालिकाओं का स्पोर्ट्स में या NCC के था उनको थोड़ी बहुत हाइट में छूट मिली है, बाकी देखा जाए तो 162 है ना बेटा? हाँ, 162 हाइट मांगी थी, इसके बाद में भी अंदर जाने के बाद में सेकेंड हाइट में उनको बाहर कर दिया। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको एंट्री पहले दे दी गई है, बाद में सेकेंड हाइट आर्मी के अंदर होती है, वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात बेटा कि जब आपका फिजिकल हुआ तो कितने दिन तक चला फिजिकल ये? सर, 2 दिन तक, 20 तारीख और 21 तारीख, ये 2 तारीख 2 दिन वहाँ पर बालिकाओं को बुलाया गया था। बेटा आपके टाइम में जब आप गए थे 21 तारीख को गए थे ना, हाँ, तो आपकी बैच कितनी बनी थी बेटा वहाँ पर? सर, 3 बैच बनी थी, 75 की 3 बैच बनी, मतलब कि 75 की 3 बैच बनी, मतलब कि 150 और 150 300 और 150 450 मतलब बालिकाएं वहाँ पर टोटल बुलाई गई थी। जबलपुर ईआरओ संबंधित 450 बालिकाएं वहाँ पर आई थी, 2 दिवस का वहाँ पर फिजिकल का कैंप था, 2 दिन वहाँ पर फिजिकल चला, 1 दिन में 75 के 3 बैच बनाए गए थे
और बिरा रन करवाया था वो भी 75 के बीच में। हाँ, 75 टाइम के दे बेटा उनने सर 8 मिनट के अंदर जो भी आ रहा था ना सबको ले लिया। 8 मिनट के अंदर जो भी आ रहा था। 7.5 मिनट एक्सीडेंट था। अच्छा 7.5 मिनट के अंदर आने वाली बालिका उसका 100 का मतलब 60 का रनिंग था और 7.5 से ऊपर कोई बालिका जा रही है जो 8 मिनट के अंदर आ रही है वो उस बालिका का 48 का फिजिकल था ना, मतलब 48 की रनिंग थी, मतलब टोटल 88 और आपका 100 ये दोनों आपका मतलब फिजिकल बना था बेटा। फिजिकल में रनिंग के बाद में और क्या करवाया उन्होंने आपसे? रनिंग के बाद में उन्होंने कुछ देर बिठाया और फिर लड़कियों को मतलब फर्स्ट बेचा लड़कियां फिर हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए गई। पहले उन्होंने वो करवाया पहले कि तुम ट्राई करो, 2-3 बार ट्राई करवाया और फिर स्टार्ट करवाया। बहुत अच्छी बात है, आर्मी वाले आपको सपोर्ट करते हैं पूरा और पूरा आपको मौका देते हैं कि आप इसमें आपको सफल होना ही होना है, क्योंकि पहले तो उन्होंने क्राइटेरिया निकाल दिया 85 का, क्योंकि आपका अगर 85% है तो आपको एंट्री वहाँ पर देंगे वो। अगर 85% बाद में भी अगर मान लो आप वहाँ पर थोड़े से कमजोर होते हैं या लूज होते हैं तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी वाले आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। थोड़ी बहुत आपकी मेहनत वो थोड़ी बहुत उनका सपोर्ट इस माध्यम इसके पूरे पूरे जोर से या पूरे सपोर्ट से आप भर्ती को बात कर सकते हैं। बड़ा ये बताओ मुझे कि जैसे 88 का फिजिकल आपका लगा तो आपकी 48 रनिंग हुई होगी तो ये लॉन्ग जंप और हाई जंप के नंबर मिलेगी आपको? नो सर, वो लड़कियाँ मतलब 10-10, 12-12 बार लड़कियों मतलब जिससे नहीं क्लियर हुआ ना उनको बहुत बार चांस भी दी। अच्छा, मेरा तो क्लियर हो गया था, सर ने बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवा दी थी, वो दोनों अच्छा, क्लियर हो गए थे। अच्छा, और लड़कियों के नहीं हुए थे, किसी के 3 से ज्यादा बार भी लगे थे। अच्छा, तो उनको भी मौका दिया था और 2 से 3 लड़कियों को फिर बाहर कर दिया, उनसे कुछ हो ही नहीं रहा था। अच्छा, जब मतलब जिन बालिकाओं को इतनी बार भी ट्राई करवाया जब भी नहीं हुआ तो उनको बाहर कराया, बाकी उनका पूरा ये मन था कि जितनी बालिकाएं आई है सभी बालिकाओं को वह अंदर एंट्री दे। बहुत 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 अच्छा बेटा आपके लिए कि उन लोगों ने इतना सपोर्ट करा, ठीक है ना। अग्निवीर भर्ती जब आई, अग्निवीर भर्ती के अंदर बॉयज के अंदर भी बहुत सपोर्ट किया, अंदर लड़कों ने बताया कि बॉयज को भी बहुत सपोर्ट किया, जिनका चेस्ट नहीं फुल रहा था उनको चेस्ट में उनको मतलब थोड़ी बहुत मतलब सहायता करी उनने, और बालिकाओं के अंदर भी देखने को मिला में क्या हुआ। पर जहाँ तक ये बात ये कि आर्मी वालों ने अग्निवीर भर्ती में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है बेटा। फिजिकल आपका क्लियर हुआ, फिजिकल क्लियर होने के बाद में फिर क्या बोला उन्होंने? फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट में बेटा क्या क्या मांगा उन्होंने आपसे? डॉक्यूमेंट में 10th-12th की मार्कशीट मांगी, आधार कार्ड, स्थायी निवासी और जाति प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र और थाने से बनवा के ले जाना था चरित्र प्रमाण पत्र। चलिए उधर ये पूरी जानकारी मतलब उनको मिलनी चाहिए। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इस वीडियो का आप स्किप मत करिएगा। एक बालिका फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर करके आई हुई है, 15 जनवरी को इनकी एग्जाम है। ये प्रोसेस हर बालिका को मालूम रहनी चाहिए कि अग्निवीर महिला सेना पुलिस के अंतर्गत अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। बट डॉक्यूमेंट में पूरा बताओ एक बार कि आपसे 10वीं से लगाकर क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट में मांगे और बालिकाएं अगर बाहर हुई है तो कौन से डॉक्यूमेंट बाहर हुई? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और एक पंचायत से अविवाहित प्रमाण पत्र भी बनवा के ले जाना पड़ेगा और थाने से भी बनवा के ले जाना पड़ेगा चरित्र प्रमाण पत्र और तो ये फोटो वगैरह आप 20-25 फोटो लेके ही जाना क्योंकि वहाँ पे बार बार फोटो तो मांगते ही है। और शपथ पत्र भी बनवाना, आपको शपथ पत्र भी बनवाना है और एक ऑनलाइन भी निकला था नॉन जुडिशियल और एक नॉन प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट भी लेके जाना बेटा। ये कहाँ बनेगा सर? ये वहाँ अस्पताल में बन जाता है, गवर्नमेंट अस्पताल में बन जाता है आपका नॉन प्रेगनेंसी जो सर्टिफिकेट होता है वो अस्पताल में आपका बन जाएगा, तो आपको ये भी वहाँ पर ले जाना है। इसके अलावा बेटा एफिडेविट भी बनवा के, ये कैसा बेटा सर? ये वही शपथ पत्र जो होता है वही वो नोटरी द्वारा शपथ पत्र आपको भी जो लेके नहीं गई थी उनका बनाया था उन्होंने। अच्छा, मतलब वहाँ पर जो लेके नहीं गई थी बालिका आर्मी वालों ने सपोर्ट किया, उनको वहाँ पर बना के दे दिया। बाकी पर इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बनाकर ले जाना है, ये नहीं हुआ कि उन्होंने बना दिया तो हम ये चीजें बिल्कुल फ्री होकर जाए, आपको पूरी कार्रवाई आपको यहीं से करके जाना है। इसके अलावा बेटा फिर आपका फिजिकल हुआ है ना, फिजिकल आपका हो गया, डॉक्यूमेंट आपका हो गया, इसके अलावा फिर और क्या करवाया उन्होंने? फिर वापस से उन्होंने एक बार और हाइट वेट, सेकंड हाइट है ना, सेकंड हाइट और वेट वापस से उन्होंने चेक किया, या सेकंड हाइट के अंदर ही वापस? अच्छा, चेस्ट भी चेक किया, मतलब वो जो भी चेस्ट क्या बोलते हैं अपना सेकंड हाइट जो थी उनमें जो बालिकाएं ले ली थी उनको बाहर भी गया होगा, है ना बेटा? 4 से 5 लड़के हमारे ग्रुप में बाहर हो गए थे। अच्छा। इसके अलावा बेटा फिर क्या हुआ और सर? पूरा फिजिकल होने के बाद में सर फिर उन्होंने बोला, फिर सब डॉक्यूमेंट वापस से जो लगे वो उन्होंने वापस से बोल दिया कि वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया हमारा सबको बिठा के और फिर नंबर दे दिए
हमको सबको हाथों पे यहाँ पे नंबर लिख दिए सबको कि तुम्हारा ये नंबर है, अब तुमको इसी नंबर से जाना जाएगा। और फिर न्यू बोला कि ये जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वो तुम मेडिकल देने आओ उस दिन भी लेके आ सकते हो। ये निवासी प्रमाण पत्र है या पंचायत से जो अविवाहित प्रमाण पत्र बनवा के भी नहीं ले जा रहा है ना, उनको फिर वही एक ही डॉक्यूमेंट देने वापस जाना पड़ेगा। अगर ये सभी बनवा के ले जाए, अगर डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो वो आपको बनाने के लिए आपको कोई मौका देते हैं कि आप ये करवा लेना, जब भी आप एग्जाम देने आओ तो वो आपको वहाँ पर शो करना है। इसके अलावा जो बालिका अगर डॉक्यूमेंट नहीं ले जाती है या जो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या वो डॉक्यूमेंट नहीं ले गई है तो वो 15 दिसंबर को बुलाते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट लेकर आपको आना है, शो करना है। इसके अलावा इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में बेटा मेडिकल आपको किस दिन बुलाया था हमने? सर मेडिकल फिर एक दिन की गैप दे दी थी, फिर नेक्स्ट डे बुलाया था। 21 को हमारे 21 को भर्ती थी, 22 को फिर बोला कि ये प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट वगैरह जो तुम्हारे कंप्लीट नहीं है यहाँ से बन सकते वो बनवा लो, और फिर मेडिकल देने 23 को बुलाया। ये बड़ा आप बना के ले गए थे कि वहाँ बनवाया आपने? सर वहाँ पे बनवाया था प्रेगनेंसी का, तो नहीं वहाँ पे शो नहीं था, नोटिफिकेशन में नहीं दिया था उन्होंने। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो शो नहीं होते, जैसे प्रेगनेंसी वाला जो शो नहीं किया था। बाकी बालिका ने जबलपुर के अंदर है ना बेटा, वहाँ पर जाकर बनाया था। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि आप ये पहले से ही बनाकर रख लिया है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बनवाने वहाँ से बनवाने में कोई अंतर तो नहीं है? नहीं सर। हेलो, उन्होंने बोला ना ऐसा कि मतलब अगर बना के भी लाते तो कोई समस्या नहीं थी? नहीं थी।